और दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं स्वीटी 790। दोस्तों आज हम बात करने जाने कि अगर आपको कहीं पे फोड़ा निकल रहा है, फिर कहीं पे आपके सूजन हो गया, चोट लग गया है और वो सूजन ठीक नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप कौन सा दवा का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके बिना किसी नुकसान के। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में घंटा का आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिए ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तब तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको कहीं पर चोट लग गया है, फिर कहीं पे फोड़े निकल रहे हैं और वो बैठ नहीं रहे, आपने बहुत सारे दवाओं का प्रयोग कर लिया लेकिन वो बैठ नहीं रहा है, सूख नहीं रहा है, तो उस केस में आप कौन से दवा का प्रयोग करें जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो आपकी उम्र जो अगर 18 साल से ऊपर की है तो उस केस में आपको प्रयोग करना है गुडसेप CB200 का। इसको आप ले लीजिए मार्केट से। इसका जो MRP है, प्राइस है, ये लगभग 2600 रुपये पर टैबलेट है और इसके साथ में आपको लेना है Zerodol SP टैबलेट का और AC-Lac टैबलेट का। इन तीन टैबलेट्स का आपको सुबह शाम में प्रयोग करना है। आपका कितना भी बड़ा फोड़ा है अगर उसमें मवाद नहीं बन गया है यानी पक नहीं गया है तो अगर आप इसका प्रयोग कर लेते हैं, अगर उभर रहा है, निकल ही रहा है फोड़ा आपका और उस केस में अगर आप इन दवाओं का प्रयोग कर लेते हैं तो आपका फोड़ा बैठ जाएगा। और अगर आपके फोड़े में मवाद बन चुका है, आपका फोड़ा पक चुका है और उसमें से मवाद निकल गया है तो तब भी अगर आप इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आपका गुडसेप CB200 हो गया, Zerodol SP टैबलेट हो गया, AC-Lac टैबलेट हो गया, इसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपका जो जख्म है, घाव है, काफ़ी जल्दी सूख जाएगा और आपको जो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता था, आपको बुखार आ जाता था, उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो 1 से 2 दिन जैसे आप इसका प्रयोग करते हैं तो अगर आपका फोड़ा निकल रहा होगा तो वो बैठ जाएगा, या फिर अगर आपको जख्म हो गया है, घाव हो गया, फोड़ा आपका फूट गया है तो 2-3 दिन 4 दिन जैसे ही आप इसका प्रयोग करते हैं तो जख्म भी आपका काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आप इसका प्रयोग करिए, जैसे ही आपका फोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है और थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपका फोड़ा निकलता है तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है चारों तरफ, अगर बड़ा फोड़ा निकल रहा है तो जैसे ही आपको स्वेलिंग आ रही है, वहाँ पे जलन होने लगे, तुरंत आप इन दवाओं का इन दवाओं को खरीद लीजिए मेडिकल स्टोर से और इनका आप 2-3 दिन रेगुलर प्रयोग कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फोड़ा है वो बैठ जाएगा और बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फोड़ा बैठता नहीं है और पक जाता है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है और भी कई सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, उनको बुखार आ जाता है, उनके बॉडी में पेन रहता है, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, जैसे पैर में निकला है फोड़ा, कहीं भी निकला है तो उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है और उनको बुखार हो जाता है, बॉडी में पेन होने लगता है, बहुत सारी समस्याएँ उनके सामने उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर आपका फोड़ा थोड़ा सा निकल रहा है तो उसके इसमें आप इन दवाओं को खरीद लीजिए, इन दवाओं का प्रयोग करिए। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आप इन दवाओं का प्रयोग ना करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड दवाएँ होती हैं ये। और अगर आपकी उम्र जो 18 साल से कम की है तब भी आप इन दवाओं का प्रयोग ना करें क्योंकि आपको चक्कर आ सकता है या फिर आपके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ सकती है इन दवाओं के प्रयोग से। तो अगर आपको बुखार भी हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार हो रहा है, वहाँ पे भी अगर आप गुडसेप CB200 का, Zerodol SP का, AC-Lac टैबलेट का प्रयोग करते हैं तो आपका बुखार भी ठीक हो जाएगा, या फिर आपकी बॉडी में कहीं पर चोट लग गया है, खून जमा हो गया है, वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, सूजन हो गया है, तो वहाँ पर भी अगर आप इन सारी दवाओं का प्रयोग करते हैं, जो तीनों दवाएँ हमने आपको बताइए, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। लेकिन गर्भवती महिलाओं को प्रयोग नहीं करना है और जिनकी उम्र जो 18 साल से कम की है उनको प्रयोग नहीं करना है, यानी इन 2-3 लोगों को प्रयोग नहीं करना है, बाकी सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके प्रयोग से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो, जो जानकारी हमने आपके साथ में ना शेयर की हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।